महज एक घंटे बारिश हुई है और लंबे समय से मानसून की बेरुखी धनबाद कोयलांचल में देखने को मिल रही थी, लेकिन महज एक घंटे की बारिश में सामने देखिए यह जो कॉलोनी है यहाँ पर बारिश के पानी की वजह से लोगों को अपने घर के बच्चों को गोद में लेकर बाहर निकलना पड़ रहा है। और ये स्थिति एक बार की नहीं है, प्रत्येक साल यही हाल होती है, प्रत्येक वर्ष की यह स्थिति है। बहुत दिक्कत हो रहा है, मात्र आधे घंटे एक घंटे में ये हाल है। हाँ, एक घंटा बाद अभी निकले हैं, रोड पे बहुत दिक्कत हो रहा है आने जाने में। हर बार तो आप लोग निगम से मांग करते हैं कि इसकी अस्थायी निदान की जाए, लेकिन ये रोड सुधर नहीं पा रहा है सर। इसका कृपया किया जाएगा, जल्द से जल्द इसको सुधारा जाए। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? इसके बारे में जिम्मेवार सरकार है और कौन है? स्थानीय नगर निगम है, वही इसको सुधारेगा, सुधारना चाहिए इसको जल्द से जल्द। आप यहीं रहते हैं? हाँ। बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हैं? यहीं पर पाठक डॉक्टर के पास। डॉक्टर पास लेकर आए? हाँ मैम, आप भी यहाँ डॉक्टर पास आई थी? हाँ हाँ, इसके साथ साथ में थोड़ी देर पहले पहले दो घंटा हो गया, एक घंटा तो है पानी के चलते, दो घंटा हो गया। हाँ, एक घंटे की बारिश में इतना पानी भर गया। भर गया? हाँ। तो काफी परेशानी हुई? परेशानी तो हुई। ये स्थिति है, और इस कॉलोनी की ही नहीं बल्कि यहाँ पर जो ग्रेवाल कॉलोनी है और सामने में रानी बांध का जो इलाका है, इन तमाम जगहों पर बारिश के समय में यही स्थिति देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई दिनों से मानसून की बेरुखी की वजह से आम लोगों को परेशानी हो रही थी, बारिश नहीं होने की वजह से किसानों के हलक सूख रहे हैं। सामने में देखिए जो लोग पैदल आ रहे हैं, काफ़ी बारिश के अंदर एक तरह से कहा जाए तो इस कॉलोनी की स्थिति जो हर बार देखने को मिलती है, सूर्य विहार कॉलोनी है ये, और हर बार इस स्थिति से दो चार लोगों को होना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं किसानों की, जिस तरह से पिछले कई दिनों से मानसून के बावजूद और ये सावन के महीने में भी बारिश ने अपनी बेरुखी दिखा रखी थी, आज जो एक घंटे की बारिश हुई है और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बारिश हुई है, इससे संभव है कि किसानों को कुछ हद तक राहत मिले। आम लोगों को भले यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो लोग धान का बिचड़ा जिनका पीला पड़ रहा था, जिनके खेत में दरार पड़ रहे थे, उन्हें कुछ ना कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों की आय का एकमात्र साधन खेती है, उन्हें काफ़ी राहत मिलेगा। सामने में कुछ किसान किस्म के लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भैया, इस बारिश से कुछ किसानों को राहत मिलेगी? बहुत राहत मिलेगा। तो स्थिति था इधर मानसून में? मानसून में तो धान बिया जल रहा था, लेकिन अभी कुछ राहत मिला ये पानी से। ये बताइए, ये जो बारिश हुई है इससे कुछ राहत मिलेगी? नहीं, नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी? धान की खेती के लिए कितना पानी होना जरूरी है? पानी होने के जब पानी आने नहीं, नहीं, पानी हो रहा है, पानी हो ही नहीं रहा है। नहीं हो रहा है। और अभी एक घंटे का पानी के वजह से बिचड़ों को कुछ राहत मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। हालांकि इनका कहना है कि इस थोड़े से बारिश में कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह की बारिश प्रतिदिन अगर एक घंटे हो जाए तो लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।